बच्चों आज की हमारी वीडियो है किसके, जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर। जिम्नोस्पर्म एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे क्या, किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट को हमने बांटा था, फर्स्ट हमने बांटा था किसमें, एल्गी में। उसके बाद हमने बांटा था इसको किसमें, ब्रायोफाइट्स में, देन टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट होता है आपका क्या, जिम्नोस्पर्म्स। और लास्ट होता है आपका क्या, एनजियो स्पर्म्स। ठीक है ना, तो हमने ऊपर के जो तीन थे, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को देख लिया था, इनके स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, जिम्नोस्पर्म्स को। आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, जिम्नोस्पर्म्स को। तो एक्चुअल में जिम्नोस्पर्म्स को अगर इस वर्ल्ड को अगर तोड़ा जाए, मतलब एक तो इस तोड़ सकते हैं हम किसमें, जिम्नो में। दूसरा हम तोड़ सकते हैं किसमें, स्पर्मा में। किसमें तोड़ सकते थे, स्पर्मा में तोड़ सकते थे। ठीक है ना, तब इसका मतलब क्या निकाला जाए। एक्चुअल में जिम्नो का मतलब होता है क्या, नेक्ड। इसका मतलब क्या होता है, नेक्ड। स्पर्मा हमेशा यूज़ में लिया जाता है क्या, सीड के लिए। स्पर्मा जो वर्ड है हमेशा यूज़ में लिया जाता है किसके लिए, सीड के लिए। तो ऐसा कोई प्लांट जिसमें क्या हो, नेक्ड सीड हो। तो इसके एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं छोटी सी, द प्लांट विथ नेक्ड सीड। ठीक है ना, द प्लांट विथ नेक्ड सीड। ओके, अब बात करिए, हमने सीड की बात की तो कुछ सीड की स्ट्रक्चर भी देखी जाए। इस प्रकार से एक सीड आपका क्या होता है, पाया जाता है। ये ऊपर एक चोंच से निकली हुई होती है, एक बीक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस बीक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूमूल। क्या बोलते हैं, प्ल्यूमूल। ये जो नीचे की तरफ पाया जाता है, ये होता है पार्ट रेडिकल। ये होता है पार्ट आपका रेडिकल। ये जो रेडिकल होता है, ठीक है ना, ये किसका फॉर्मेशन करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है। एक प्लांट के अंदर किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। ये जो प्ल्यूमूल वाला पार्ट है, ये करता है आपके किसका पार्ट, स्टेम का फॉर्मेशन और साथ में लीफ का फॉर्मेशन। यह कह सकता हूँ मैं, ये जो प्ल्यूमूल वाला पार्ट है, ये प्ल्यूमूल वाला पार्ट है प्लांट के एरियल पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। एरियल पार्ट कौन सा होता है, जो भूमि के ऊपर रहता है। एरियल पार्ट कौन सा होगा, जो भूमि के ऊपर रहेगा। रेडिकल भाग वाला भाग क्या होगा, अन एरियल, या भूमि के नीचे जो रहेगा, सॉइल, अंडर सॉइल रहेगा, सॉइल सरफेस से नीचे पाया जाएगा, उसका फॉर्मेशन करेगा। तो हमने एक बीज की स्ट्रक्चर देखी है। बीज जो है, हमने कहा नेक्ड सीड। नेक्ड सीड से मतलब ये बीज ही सीड होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर किसी प्रकार का क्या नहीं पाया जाए, कवर नहीं पाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं एक्चुअल में ऐसा प्लांट होता है, मान लो ये चना है, चना जो साइसर एरिटिनम होता है, या मटर ले सकते हो आप पी, ठीक है ना। पी के ऊपर एक ग्रे कलर का या ब्राउन कलर का एक छोटा सा छिलका पाया जाता है। वो तो क्या होता है, इनका सीड कोट होता है, उसको बोलते हैं हम, उस छिलके को बोलते हैं, उस कवर को बोलते हैं क्या, सीड कोट। वो तो इनमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन चने के ऊपर भी एक ऊपर की तरफ क्या होता है, कवरिंग पाई जाती है, जो कि क्या होती है, कुछ ब्राउन रंग की पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कुछ ब्राउन रंग की पाई जाती है, ग्रीन कलर की पाई जाती है, जैसे छिलका बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। जैसे मटर में होता है ऊपर एक पूरा पोड के रूप में, फली के रूप में होता है, ठीक है ना। इनके ऊपर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, इसीलिए इनको बोला हमने क्या, नेक्ड सीड। इसीलिए हमने क्या बोला है, नेक्ड सीड। तो जिम्नोस्पर्म में एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई है, डेवलप्ड प्लांट है। क्या है, डेवलप्ड प्लांट है, किसकी तुलना में, टेरिडोफाइट्स की तुलना में। क्योंकि सबसे कम डेवलप्ड थे क्या, एल्गी। उसके बाद में कुछ डेवलपमेंट हुआ किसमें, ब्रायोफाइट में। उसके बाद में कुछ डेवलपमेंट हुआ किसमें, टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट के बाद में आ गए कैसे, ऐसे प्लांट जो कि क्या थे, इनके ऊपर सीड के ऊपर क्या नहीं था, कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाए। अगर एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो ये नेक शब्द हट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या होगी, कवरिंग भी होगी, ये फुली डेवलप्ड होंगे, ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब द प्लांट विथ नेक्ड सीड। अब ये जो है,
पूरा का पूरा ग्रुप है जिम्नोस्पर्म, ये ग्रुप दिया था सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी के फादर, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टर। उन्होंने इस ग्रुप को क्या हुआ था, सबसे पहले फॉर्म किया था, डिज़ाइन किया था, ठीक है ना। तो इसके लिए एक बोला जाता है द ग्रुप इज फॉर्म्ड, दिस ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय ग्रीक फिलोसोफर, बाय ग्रीक फिलोसोफर एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस फॉर प्लांट्स विथ नेक्ड सीड, फॉर प्लांट विथ नेक्ड सीड। ओके, सबसे पहले किसने डिज़ाइन किया था इसको, थियोफ्रेस्टस में। तो हमने बोला इनके ऊपर क्या है, सीड कोड तो होगा लेकिन आउटर कवरिंग नहीं पाई जाएगी, तो इसके लिए बोल सकते हैं नेक्ड सीड प्लांट, नेक्ड सीड प्लांट डज नॉट मीन, डज नॉट मीन दैट सीड, दैट सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स, these plants do not have seed coat because in these plant seed coat, ठीक है ना। अब इनकी स्ट्रक्चर क्या हो, कुछ इस प्रकार से पाई जाए, किस प्रकार से पाई जाए, इस ऊपर से अगर टॉप से देखा जाए इन प्लांट को, तो अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, कोनीफरस होते हैं। कोनीफरस मतलब कोन लाइक स्ट्रक्चर में जोकर की टोपी के समान क्या होते हैं, ऊपर से इस प्रकार से नुकीले पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट को बोलते हैं हम लोग क्या, कोनीफरस प्लांट, या बोल सकते हैं कोन बियरिंग प्लांट। तो इसके लिए लिख सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स आर कोनीफेरस और कोन बियरिंग प्लांट्स, क्या बोल सकते थे हम, कोनीफेरस या कोन बियरिंग प्लांट्स, ठीक है ना। ये वर्ल्ड वाइड है, सारे पूरी की पूरी पृथ्वी पर क्या हो सकते हैं, आसानी से मिल सकते हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी पर क्या है, आसानी से मिल सकते हैं। अगर इनकी बात की जाए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, अगर इनकी बात की जाती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, तो अभी आपके लिए एक नया वर्ल्ड आ गया निकल के यहाँ पे, क्या मॉर्फोलॉजी, क्या निकल के आ गया, नया वर्ल्ड निकल के आ गया आपके पास, क्या मॉर्फोलॉजी। अभी मॉर्फोलॉजी का क्या हो मतलब, मॉर्फोलॉजी का मतलब है, होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कोई भी प्लांट है वो बाहर से दिखने पे कैसा है, उसकी हाइट क्या है, उसके ऊपर उसके उसमें फ्लावर कैसे मिलते हैं, उसकी लीफ कैसी होती है, उसमें फ्रूट होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है ना, और वो कब उगता है, तो ये सारी कंडीशन कहलाती है आपकी क्या, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंडर, ठीक है ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंडर ही सारी कंडीशंस आती हैं। तो ये क्या होंगे, सारे के सारे प्लांट क्या होंगे, पेरेनियल फॉर्म में होंगे, किस में होंगे, पेरेनियल फॉर्म में होंगे, मतलब इनका जो लाइफ साइकिल होगी मोर देन वन ईयर। एक प्लांट होता है वीट का, या कोई भी मोनोकॉट प्लांट हो सकता है, वो 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा एक बीज था, बीज से पूरा प्लांट बन गया, प्लांट से उसने क्या दे दिया, वापस से सीड दे दिए, मतलब वीट का प्रोडक्शन कर दिया, वापस से क्या हो गया, डेड हो गया। तो ये कंडीशन कहलाती है आपके एनुअल प्लांट की, जो एक साल के अंदर अंदर अपना पूरी लाइफ साइकिल को पूरा कर ले। फिर आते हैं दूसरे प्लांट, पेरेनियल प्लांट।
जिसको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने में क्या है कम से 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है, क्या कहलाते हैं, पेरेनियल प्लांट कहलाते हैं। दूसरी कंडीशन आती है जीरो फिटिक। जीरो फिटिक का एक्चुअल में मतलब होता है ऐसा, जीरो वर्ल्ड हमेशा यूज में लिया जाता है किसके लिए, डेजर्ट के लिए, मतलब रेगिस्तान के लिए। फिटिक वर्ल्ड फाइटा, ऐसा कोई भी प्लांट जो कहाँ हो सकता है, रेत में भी उग सकता है या रेगिस्तान में भी उग सकता है। लैंड पे तो उगेगा, मतलब टेरेस्ट्रियल तो होगा ही होगा, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में उग सकता था, लेकिन क्या है, डेजर्ट में भी क्या हो सकता था, उग सकता था, इसीलिए इन प्लांट को बोल सकते हैं हम जीरो फिटिक। दूसरी कंडीशन आती है एवरग्रीन। अगर मान लो जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में है, सफिशियंट कंडीशन में है, ठीक है ना, वहाँ प्लांट क्या होंगे, ये एवरग्रीन होंगे। एंड आती है कंडीशन वुडी, मतलब इनमें लकड़ी भी पाई जाएगी, ठीक है ना, लकड़ी भी पाई जाएगी। और अगर नेक्स्ट बात की जाए प्लांट बॉडी की या प्लांट की बात की जाए, तो क्या था, ट्री के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है ना, श्रब के रूप में मिल सकते हैं, श्रब होता है छोटी सी झाड़ियों के रूप में, ठीक है ना, और क्लाइंबर के रूप में मिल सकते हैं, किसके रूप में, क्लाइंबर। क्लाइंबर का एक्चुअली मतलब होता है क्या, बेल की तरह भी मिल सकते हैं, बेल होती है ना, बेल की तरह भी मिल सकते हैं क्लाइंबर, ठीक है ना। अब प्लांट बॉडी की अगर बात की जाए, तो प्लांट बॉडी हमने देखी है दो टाइप की होती है, पहली होती है हैप्लोइड टाइप की और एक होती है डिप्लॉयड टाइप की। किस टाइप की, डिप्लॉयड टाइप की, एक थी हैप्लोइड एक थी डिप्लॉयड टाइप की। तो प्लांट बॉडी कैसी होगी आपकी, डिप्लॉयड टाइप की होगी। जैसे जैसे हम किस में कंडीशन में बढ़ते जाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे, कंडीशन क्या आती जाएंगी, डिप्लॉयड वाली आती जाएंगी। तो प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक। प्लांट बॉडी कैसी होगी, डिप्लॉयड कंडीशन में होगी और उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अगर बात की जाती है इनमें, बात की जाती है रूट की, रूट कैसी होगी, टैप रूट पाई जाएगी। कैसी, टैप रूट पाई जाएगी, जैसे कि नीम की होती है, मोटी मोटी वुडी वुड्स होती हैं, उन वुड्स को बोलते हैं टैप रूट, ठीक है ना। साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी पाई जाएगी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये कहते हैं हम लोग, इन सिम्बायोटिक पहले पता था, दो कोई भी ऐसे एनिमल या ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दोनों क्या रहे, साथ साथ रहे। इनका एक एग्जांपल होता है पाइनस, इनका एक एग्जांपल होता है क्या, पाइनस, ठीक है ना। पाइनस के साथ में क्या पाया जाता है, यहाँ पे फंजाई पाया जाता है, तो फंजाई को भी फायदा होता है और साथ में पाइनस को भी फायदा होता है। तो इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, सिम्बायोटिक रिलेशन। इस प्रकार के रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। और जब कोई भी प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है क्या, फंजाई, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ये माइको वर्ल्ड कहाँ से आया, क्योंकि माइकोलॉजी किसे बोला जाता है, माइकोलॉजी किसे बोला जाता है, फंजाई को बोला जाता है, स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी, ठीक है ना। माइकोराइजा का मतलब अब समझ में आ गया, कोई भी प्लांट के साथ कोई भी फंजाई यदि सिम्बायोटिक रिलेशन में रह रही है, सिम्बायोटिक रिलेशन में अगर रह रही है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं क्या, माइकोराइजा, ठीक है ना। अब अगर बात की जाती है इसके स्टेम की, स्टेम की अगर बात की जाए, तो इसका स्टेम क्या होगा, बिल्कुल सीधा खड़ा हो पाया जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, इरेक्ट। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इरेक्ट। साथ में बोल सकते हैं एरियल, मतलब ज़मीन से ऊपर पाया जाएगा। कुछ का नीचे होता है, जैसे कि हल्दी वगैरह होती है, तो जो किस में आते हैं वो एक्चुअली एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, ठीक है ना, एरियल होगा। साथ में हमने बात किया था वुडी भी है, वुडी के मतलब हो गया सॉलिड होगा, ठीक है ना, एंड वुडी। और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है हम, लेकिन मोस्टली देखते हैं क्या, ब्रांच्ड कंडीशन देखते हैं, ठीक है ना। किस कंडीशन में देखते हैं हम लोग क्या, ब्रांच्ड कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं। अगर बात की जाए, जो विश्व का सबसे बड़ा पेड़ है, विश्व का जो सबसे बड़ा पेड़ है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट प्लांट या ट्री बोल सकते हैं, सिक्वा, ठीक है ना, वो भी क्या है, एक जिम्नोस्पर्म का ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ल्ड
टॉलेस्ट ट्री कौन है? सिक्वा। सेमी पर वियंस, ठीक है ना। तो इसकी हाइट लगभग लगभग बोली जाती है क्या 125 मीटर के, 125 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली इसकी क्या होती है, हाइट होती है। अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है क्या, कौन सा होता है, जेमिया, ठीक है ना। इसकी हाइट होती है क्या 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आज हमने, आज की वीडियो में हमने थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट देखा है किसका, जिम्नोस्पर्म का। जो हमने नेक्स्ट बात करेंगे हम उसके रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।